Hello childrens, again welcome class 1. हमारी एक और है sing along, एक और राइम है sing along. हमारी राइम्स का नाम है here we go around the mulberry bush. What do you mean by mulberry bush? Mulberry bush का मतलब होता है जो सहतूत के जो झाड़ियाँ होती है, पेड़ होते हैं, उसको बोलते हैं मलबरी बुश. ओके, तो मेरे साथ गाएंगे सिंग अलोंग. सिंग अलोंग का मतलब क्या है? मेरे साथ गाना है आपको. लेट्स सिंग. हियर वी गो अराउंड द मलबरी बुश, मलबरी बुश, मलबरी बुश. हियर वी गो अराउंड द मलबरी बुश, मलबरी बुश, mulberry bush. Here we go around the mulberry bush early in the morning. तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये है मलबरी बुश में सब बच्चे खेल रहे हैं राउंड, है ना. नेक्स्ट, दिस इज द वे वी ब्रश आवर टीथ, ब्रश आवर टीथ, ब्रश आवर टीथ. दिस इज द वे वी ब्रश आवर टीथ early in the morning. हमें रोज सुबह में उठते ही ब्रश करना है. ओके, नेक्स्ट, दिस इज द वे वी कॉम्ब आवर हेयर, कॉम्ब आवर हेयर, कॉम्ब आवर हेयर. दिस इज द वे वी कॉम्ब आवर हेयर early in the morning. सुबह उठ के नहाने के बाद हमें बाल बनाना है. ओके, this is the way we march to school, march to school, march to school. This is the way we march to school early in the morning. जैसे ही हम स्कूल के लिए रेडी हो गए तो हमें स्कूल जाना है. ओके, तो ये आपकी छोटी सी पोयम थी. अब हमारा चैप्टर है, पेज नंबर आप सब देखेंगे, पेज नंबर 9, माई बेबी सिस्टर. मैं सबसे आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके भी भाई बहन होंगे, डू यू हैव अ ब्रदर और अ सिस्टर? कोई भी है, जैसे मेरी सिस्टर है. डू यू शेयर यूअर थिंग्स विद हर और हिम? क्या आप अपनी उन चीजें उनके साथ शेयर करते हैं? यस. डू यू प्ले विद हर और हिम? क्या आप उनके साथ खेलते हैं? यस, है ना. तो यहाँ पर भी एक ये बॉय है और उसकी एक सिस्टर है, उसके ऊपर आपको चैप्टर दिया है, लेसन है, तो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे. आई एम वेरी हैप्पी. अम्मा हैज कम होम विथ अ बेबी. ये जो बॉय दिख रहा है आपको, वो बोल रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी. क्यों खुश है? क्योंकि उसकी मम्मी घर पर आ रही है. होम क्या होता है? घर. किसको लेके आ रही है? विथ अ बेबी, है ना. जो बेबी हुआ है, उसकी लिटिल सिस्टर हुई है, उसको घर पर लेकर आ रही है. शी इज माई सिस्टर. ये उसकी मम्मा है और ये उसकी सिस्टर है. सिस्टर मीन्स बहन. शी इज वेरी स्मॉल. वो बहुत छोटी है. डोंट मेक एनी नॉइस, अम्मा सेस. जैसे ही मम्मा आती है, वो बेबी गर्ल है, वो सो रही है, तो उसकी मम्मा आती है, उसको क्या कहती है? डोंट मेक एनी नॉइस. नॉइस मीन्स आवाज़. कोई भी आवाज़ मत करना. हमारे भी घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो और सोया हो, तो हमसे भी कहते हैं ना कि आवाज़ मत करना, नहीं तो वो क्या होगा? उठ जाएगा. वेक अप, उठ जाना. The baby will wake up. The baby wakes up. जैसे ही वो उठ जाएगा तो क्या करेगा? She starts crying. जैसे ही बच्चा उठ जाता है तो सबसे पहले क्या करता है? रोना स्टार्ट कर देता है. Don't cry, I say. I will play with you. जैसे ही वो रोई तो मैंने उससे क्या बोला? कि मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा. I will play with you. अम्मा brings a टॉय. टॉय मीन्स खिलौना.
मम्मी क्या लाई थी? खिलौने. वॉट इज इट? आई आस्क. मम्मी एक खिलौना लेके आई थी तो मैंने पूछा कि ये क्या है. इट इज अ रेटल. वॉट डू यू मीन बाय रेटल? आप सभी ने देखा होगा ऐसे गोल होता है ना, ऐसे बजने वाला होता है जिसको हम शेक करते हैं, थोड़ा सा भी हिलाते हैं तो वो बजता है, खन 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 खन, है ना. शी सेज शेक द रेटल, शी विल स्टॉप क्राइंग. जैसे ही तुम इसको बजाओगे तो वो रेटल बजना से, रेटल की आवाज़ से वो चुप हो जाएगी. आई शेक द रेटल नियर द बेबी. फिर मैंने उस रेटल को उस बेबी के पास हिलाया. नाउ द बेबी इज हैप्पी. फिर जैसे रेटल की आवाज़ सुनी तो बेबी क्या हो गई? खुश हो गई. शी स्माइल्स एट मी. और वो मेरे सामने हंसने लगी. आई थिंक शी लव्स मी. आई लव हर टू. और फिर जैसे ही वो उसके सामने हंसने लगी तो वो बॉय क्या सोच रहा है कि वो मेरे से प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ. ये आपका छोटा सा चैप्टर है. हम भी हमारे छोटे भाई बहन से प्यार करते हैं, हम उनके साथ खेलते हैं और हमें खेलना भी चाहिए और हर चीज़ उनके साथ में शेयर करनी चाहिए. ओके, थैंक यू.